गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को EVS पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास फाइव का नाम है गो ग्रीन। गो क्वेश्चन नंबर वन में आप लोग पढ़ चुके होंगे द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्वेश्चन नंबर वन आप लोग पढ़ चुके होंगे, उम्मीद है इनका क्वेश्चन आंसर आप लोग फेयर कर चुके होंगे और इनको याद कर लिए होंगे। और नेक्स्ट चैप्टर आज पढ़ेंगे हम लोग, आज नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर टू में माई नीड्स के अंदर में आता है चैप्टर नंबर टू पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब इसका हुआ पेड़ का भाग। इसमें पढ़ेंगे हम ऑल लिविंग एनिमल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड ऑन प्लांट बिकॉज प्लांट आर फूड प्रोड्यूस्ड फॉर द वर्ल्ड। जितने भी जीवित जानवर है वो डिपेंड रहता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस पे, प्लांट पे। क्यों? क्योंकि प्लांट जो होता है वो क्या करता है, वो भोजन को उत्पन्न करता है पूरे वर्ल्ड में। प्लांट एंड एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, और हमारे वातावरण के लिए पौधा और जानवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग वी नो दैट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स बट दे आर सम डिफरेंट। कुछ जानवर और पेड़ लिविंग थिंग्स है बट वो सबका अंदर अलग अलग रहता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं सिमिलरिटी बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। सिमिलरिटी बिटवीन का मतलब होता है प्लांट एनिमल का मतलब, इसका मतलब होता है समानता बिटवीन, मतलब प्लांट और एनिमल, पौधा और जानवर, इस दोनों के बीच का समानता क्या है इसके बारे में यहाँ देखते हैं। बोथ नीड वाटर, बोथ नीड फूड वाटर एंड एयर टू लिव। जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए और हवा चाहिए। बोथ हैव ग्रोथ, इसमें लिखा हुआ ह्यूमन, ह्यूमन ग्रोथ इंसान का बढ़ना और प्लांट ग्रोथ पौधा का बढ़ना। सबसे पहले क्या होता है, पहले बच्चे छोटे होते हैं, बेबी होते हैं, उसके बाद वो थोड़ा बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर जाके बड़े होते हैं। इसी तरह पौधे में होता है, सबसे पहले बीज बोया जाता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर इससे बड़े होते हैं, फिर इससे बड़े होते हैं, फिर लास्ट में ये बड़े कहते हैं वो पौधे बन कम्प्लीट हो जाते हैं। उसके बाद डिफरेंस मतलब अंतर, प्लांट मेक फूड विद द हेल्प ऑफ एयर सनलाइट एंड क्लोरोफाइल, मतलब भोजन जो होता है पौधा जो होता है भोजन तैयार करता है किसके द्वारा, किसके मदद से, हवा से, सूरज की रोशनी से, क्लोरोफाइल के द्वारा। एनिमल्स ईट फूड फॉर फूड और दे ईट स्मॉल एनिमल्स, अब जानवर खाता है वो पौधा खाता है और वो छोटे जानवर को खाता है। उसका प्लांट रिमेंस फिक्स्ड बट दे पार्ट हैव मेनी शो मूवमेंट टू अर्थ लाइट, क्या था प्लांट का जो होता है वो रिमेन फिक्स एक जगह पे वो फिक्स रहता है बट उसका पार्ट का होता है स्लो मूवमेंट, वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है टुवार्ड्स इसके द्वारा लाइट के द्वारा। बट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट क्या होता है एनिमल्स वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। उसके बाद प्लांट डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन एंड इमोशन, पौधा क्या वो सेंस ऑर्गन नहीं और इमोशन नहीं है। बट एनिमल्स एंड सेंस ऑर्गन एंड इमोशन, बट क्या वो एनिमल सेंस ऑर्गन है और वो इमोशन भी रहता है। नेक्स्ट में प्लांट ब्रीथ थ्रू एस्टोमेटा वो इन द लीव, पौधा होता है वो सांस लेता है किसके द्वारा, एस्टोमेटा के द्वारा जो लिप्स है। एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, एनिमल्स क्या होता है वो लंग्स के द्वारा लेता है सांस, फेफड़े के द्वारा, गल्स के गलफाड़े के द्वारा, होल्स इन द स्किन वो छीद के द्वारा वो सांस लेता। प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड और अदर पार्ट, प्लांट करता है रिप्रोड्यूस करता है सीड को और अदर पार्ट। एनिमल्स रिप्रोड्यूस्ड थ्रू एग और प्रोड्यूस्ड यंग वंग्स, और जानवर क्या होता है वो प्रोड्यूस करता है एग और यंग वंग्स मतलब बच्चे को। लेट अस, उसके बाद है लेट अस फाइंड और डिफरेंट पार्ट ऑफ एनिमल्स एंड फंक्शन ऑफ इच पार्ट, इसमें अलग 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 भाग के प्लांट है, अलग अलग कार्य करते हैं। ए प्लांट हैज डिफरेंट पार्ट लाइक, जैसे कि इसका अंतर क्या है, लाइक रूट स्टीम ब्रांचेज लीफ फ्लावर एंड फ्रूट, ये पौधे का ये सब भाग है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द रूट, रूट पढ़ेंगे, रूट क्या होता है पौधे में, इट इज एन अंडरग्राउंड पार्ट प्लांट, ये क्या होता है अंडरग्राउंड, रूट क्या होता है वो अंडरग्राउंड पार्ट प्लांट, ये नीचे की जमीन के नीचे की ओर रहता है। इट हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड होल्ड द प्लांट इन द सॉइल, ये इसका काम क्या होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को। दस रूट ऑल्सो हेल्प प्रिवेंटेशन द इरेक्शन ऑफ द सॉइल ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ एंड ए फ्लो ऑफ वाटर, वो पानी को एब्जॉर्ब करके पौधे के पूरे भाग में पहुँचाता है। उसके बाद द रूट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए प्लांट बिकॉज इट फिक्सेस द प्लांट विद सॉइल,
क्या होता है, रूट होता है वो पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, बट वो कहता है एक ही जगह पर वो फिक्स रहता है। इट गिव वाटर एंड साल्ट ऑन द प्लांट, ये क्या करता है पानी और साल्ट को प्लांट से प्रोड्यूस करता है। प्लांट लाइक कैरोट कैरोट बीट रूट हैव थिक रूट विद फूड स्टोर इन द सो इन द रूट स्टोर टू द प्लांट, ये सब कहता है वो जमीन के नीचे की ओर कहता है स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है ये सब। द फूड स्टोर इन द रूट इज ईटन बाई मैन एंड अदर एनिमल, और ये जो रूट में फूड स्टोर होता है उसको इंसान और जानवर खाते रहते। उसका स्टीम, स्टीम का मतलब होता है तना। द पार्ट ऑफ द प्लांट हैव द ग्राउंड इज द सूट, वो क्या होता है पौधे जो होता है वो सूट सिस्टम में तना बना रहता है। उसका द मेन पार्ट ऑफ सूट इज स्टीम, पेड़ स्टीम तना का सबसे मेन भाग जो होता है वो क्या कहता है सूट कहलाता है। स्टीम इज द लॉन्ग थिंग सेंटर पार्ट, ये कहता लंबा सा पार्ट होता है स्टीम, स्टीम का पार्ट ऑफ प्लांट। द वियर्स ऑफ ऑल द वियर्स ऑफ ऑल अदर पार्ट ऑफ द सूट इट हैज ए ट्यूब इनसाइड थ्रू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है विच वाटर फ्रॉम द रूट मूव अप टू रिच द लीफ, ये क्या करता है पानी को वो मूव करता है लीफ में। उसके बाद नेक्स्ट में स्टीम आर डिफरेंट टाइप्स, स्टीम होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं, थिक एंड उडली, थिक और उडली होता पतला और ये और ये मोटा होती मोटा और उडली मतलब मजबूत होता है। लॉन्ग एंड हार्ड, ये लंबा और कठोर होता है। वीक एंड ग्रीन, ये कमजोर और हरा होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीम ऑफ प्लांट, स्टीम का क्या क्या कार्य होता है इसके बारे में बता रही हैं। इट सपोर्ट द प्लांट एंड कीप इट्स अपराइट, ये कहता है प्लांट को सीधे ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करता है। इट कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये रूट को अदर पार्ट ऑफ द प्लांट दूसरे पौधे में मदद करता है। इट्स प्लांट इज गुड अंडरग्राउंड एंड स्टोर फूड इज यूजफुल फॉर द लिविंग बींग्स, और ये कहता है कुछ पौधे जो होता है वो फूड स्टोर करता है रूट के अंदर में। उसका द स्टीम ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, स्टीम क्या होता है वो रोशनी के द्वारा वो बढ़ता है। और सम प्लांट रिमेन्स अंडरग्राउंड स्टीम, कुछ होता है वो अंडरग्राउंड स्टीम होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में पोटैटो ओनियन जिंजर एडीसी, ये सब क्या होता है ये सब अंडरग्राउंड फूड है, स्टीम का काम करता है। द लीफ, नेक्स्ट में पढ़ेंगे लीफ, द लीफ मतलब पत्ती। स्टीम वियर लीफ, स्टीम वियर लीफ इट हैज वीनस विच ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द लीफ, इसका काम क्या होता है स्टीम वियर लीफ रहता और पत्ती रहता है और वो क्या होता है इट हैज वीनस विच ब्रिंग, पतली सा रहता है स्टीम वियर विंग्स ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द लीफ, लीफ हैज टीनी प्रोसेस, वो कहा था छोटी से पतला सा बना रहता है प्रोसेस कॉल द स्टोमेटा, इसको हम क्या बोलते हैं स्टोमेटा। प्लांट ब्रीथ थ्रू दिस प्रोसेस एंड थ्रो आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देम, क्या करता है पानी ब्रीथ करता है सांस लेता पत्ती के द्वारा और थ्रो वाटर प्रोसेस लीफ थ्रो पोर एंड थ्रो आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द देम, पानी सप्लाई करता है उसके द्वारा। लीफ ऑफ और लीफ आर ऑफ ग्रीन कलर, वो पत्ती का होता है वो हरे कलर का होता है बिकॉज दे हैव क्लोरोफाइल, क्योंकि उसमें क्लोरोफाइल रहता है इस कारण वो ग्रीन पत्ती रहता है। इन द क्लोरोफाइल हेल्प द प्लांट टू मेक इट ऑन फूड, ये काम क्या करता है क्लोरोफाइल वो भोजन को तैयार करने में काम करता है। लीफ इज द प्लेस वेयर फूड इज मेड द हेल्प ऑफ द सनलाइट, ये क्या करता है वो लीफ जो होता है वो सूरज के द्वारा रोशनी को ग्रहण करता है फूड बनाने में मदद करता है। एयर एंड वाटर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, ये सब क्या करता है प्रोसेस फूड बनाने में प्रोसेस होता है। बाइट इट्स कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, किसके द्वारा वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्लांट गिव ऑफ ऑक्सीजन व्हेन दे मेक फूड, ये प्लांट क्या करता है ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है जो फूड प्रोवाइड करता है। टू लीफ परफॉर्म सम अदर फंक्शन, और लीफ का अलग काम करता है विसाइड मेकिंग फूड फॉर द प्लांट, और भोजन के बाद भोजन को बनाने में मदद करता है। लेट अस फाइंड आउट ऑफ थ्रो इट एक्टिविटीज, एक्टिविटी देख रहे हैं इसमें हम देखा। टेक टू पोटल प्लांट, इसमें दो पोटल प्लांट दिए हुआ नंबर, जैसे एक फर्स्ट प्लांट है सेकेंड पॉइंट प्लांट है। इसमें इन द फर्स्ट प्लांट, इसमें इन द फर्स्ट प्लांट अप्लाई सम वेसलीन, इसमें कुछ पौधा दिया जो गमले में दिया हुआ अलग से। एंड अदर एंड बोथ अदर ऑफ द लीफ वार्प इट इज द प्लोथिन बैग, और उसको नेक्स्ट वो प्लोथिन बैग में अप्लाई किया। वार्प द अदर प्लांट इन प्लोथिन बैग विदाउट अप्लाई वेसलीन, बिना वेसलीन का वो अप्लाई कर रहा है। कीप बोथ द प्लांट इन सनलाइट, एक पौधे में सूरज की रोशनी ग्रहण हो रहा है, दूसरे में अब्जॉर्ब द प्लांट आफ्टर फोर टू फाइव आवर, चार से पाँच घंटा में सूरज की रोशनी ग्रहण करा। बट डू यू फाइंड एंड डिफरेंट इन द टू प्लांट, यस ए मे नो ड्रॉप ऑफ वाटर आर वेसलेबल इन द प्लोथिन बैग एंड ऑन द लीफ ऑन विच वेसलिन पाच अप्लाई, ये इसमें अप्लाई कर रहा है वेसलिन अप्लाई ए में बी में नो
बी में देर आर ड्रॉप ऑफ वाटर इन द प्लोथिन पैक एंड द लीफ ऑन विच वैसलिन पास नॉट अप्लाई। इसमें दूसरे पॉइंट में कह रहा है वो प्लोथिन पैक में क्या हो रहा है, वाटर अप्लाई नहीं हो रहा है लीफ में। Why have drop of water appear on the leaf on both of surface of the lower surface leaf? They are a small process called the stomata. इसी को हम क्या बोलते हैं, stomata बोलते हैं। Water vapor has come out from the stomata and collection on the leaf without vaseline as well as on the inner side of the plothin। वो plothin अलग बैक वो पौधा वो inner side of the plant remove करता है, plant remove एक्स्ट्रा वाटर थ्रो दिस एस्टोमेटा, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करके वो प्लांट बढ़ने लगता है। और नेक्स्ट में द एस्टोमेटा एस्टोमेटा आल्सो हेल्प द प्लांट ड्यूरी फोटोसिंथेसिस। अब पौधा क्या होता है, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो भोजन को तैयार करता है और वो बढ़ने में मदद होता है। बट वो जो पौधा था प्लॉथिंग बैंक में वो बढ़ता नहीं है क्योंकि उसके अंदर में एयर और सनलाइट सूरज की रोशनी नहीं जाता, वाटर नहीं पहुँच पाता, इसी कारण वो पौधा नहीं बढ़ पाता है। आप लोग का यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट एंड सीड, इसी में पढ़ना नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पढ़ना नेक्स्ट डे में फ्रूट एंड सीड। जहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को, आप लोग घर पे इसको रिवाइज करिएगा।